वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर नेमतें अता की, दौलत सरवत की तिजोरियाँ दी, ओहदे इकतदार की कुव्वतें दीं, हुस्न जमाल की जे पैकर उसको दिए, क्या कुछ उसको नहीं दे दिया। उन सारी की सारी चीज़ों को देखकर उसको ये गलत फहमी हो गई, वो ये समझा कि खुदा तो वो होता है जो किसी चीज़ का मोहताज ना हो। तो मैं तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, माकूलात व मशरूबान के दस्तरखान मेरे पास, ओहदे इकतदार की कुव्वतें मेरे पास, हुस्न जमाल की मूर्तियाँ मेरे पास, आसमान ज़मीन के ख़जाने मेरे पास, सब कुछ तो मेरे पास है, मैं तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। और खुदा वही होता है जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। आना रब्बुकुम अलआला, ऐ लोगों मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, खुदाई का दावा कर दिया। और वो फिरौन जिसको सेहत अल्लाह ने ऐसी अता की थी कि रिवायात में आता है कि 450 साल उसकी उम्र थी, और 450 साल की उम्र के दौरान उसके सर में भी कभी दर्द नहीं हुआ। बीमारी तो दूर की बात है, इतने तवील तरीन अरसे में कभी उसके सर में भी दर्द नहीं हुआ, ऐसी सेहत अता की। लेकिन उन नेमतों की नाशुक्री की तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कैसा पकड़ा, क़यामत तक के लिए इंसानियत की इबरत बना दिया। इसलिए फरमाया वाला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबिल शदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है।